चलिए वीडियो के अगले सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग वेन डायग्राम पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं उन सारे को हम लोग बारी बारी से बना रहे हैं। और अगला प्रश्न जो है उस प्रश्न में कह रहे हैं ऑलरेडी डायग्राम बना के दे दिए हैं और उस डायग्राम के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित तीन सवालों के जवाब दें, यानी इस चित्र का अध्ययन करना है और इस पर आधारित आगे चलकर जो कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम लोग जवाब देंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शेर पसंद है और बाघ भी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शेर पसंद है और बाघ भी। गोल वाला डायग्राम शेर को परिभाषित करता है, जो ये त्रिकोणीय है ये बाघ को, और जो ये आयताकार है तेंदुआ को। इसमें कह रहा है शेर और बाघ, शेर और बाघ दोनों को पसंद करते हैं, शेर और बाघ दोनों को पसंद करते हैं। तो एक 35 है और एक 5 है, 35 प्लस 5 इक्वल टू 40 हम लोगों का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उनमें अंतर क्या है। टोटल तेंदुए वाले बच्चे की संख्या में बाघ वाले बच्चे की संख्या को घटा देंगे, टोटल को आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 35 35 70 20 90 और 30 120। 120 में हम लोग माइनस करेंगे बाघ वाले बच्चे की संख्या को, यानी 35 5 40 और 45 85। क्लियर है, इसको माइनस कर लीजिए, 5 3। तो हम लोगों का आंसर निकल के कितना आ गया, 35। तो जिस भी ऑप्शन में 35 होंगे वो हम लोगों का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं कि कितने बच्चों को शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है। कितने बच्चे को शेर यानी गोर वाला सर्किल और तेंदुआ यानी ये वाला सर्किल पसंद है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों डायग्राम कहाँ पे मैच कर रहे हैं आपस में, ये तीन संख्या हमारे पास है, कितना तीसरे का 35 प्लस 35 प्लस 20 हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 90। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए पैसेज के आधार पे हमने डायग्राम को तैयार कर लिया है और कुछ अब जो कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग स्क्रीन पर प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न पढ़ने से पहले, जो ये गोल वाला यानी जो सर्किल है जो वृत्त है वो गणित के गणित को दर्शाता है, जो ये आयत है विज्ञान को दर्शाता है, हाँ उसके बाद जो ये त्रिभुज है अंग्रेजी को दर्शाता है। अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न कि गणित के प्रोफेसर जो अंग्रेजी विशेषज्ञ भी हैं वे किसके द्वारा दर्शाए गए हैं। गणित के प्रोफेसर जो अंग्रेजी विशेषज्ञ भी हैं, यानी गणित वाले डायग्राम और अंग्रेजी वाले डायग्राम कहाँ आपस में मिलते हैं। तो गणित वाले डायग्राम और अंग्रेजी वाले डायग्राम कहाँ आपस में मिलते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों का पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी विशेषज्ञ जो विज्ञान विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, किस क्षेत्र द्वारा दर्शाए गए हैं। अंग्रेजी विशेषज्ञ हैं और विज्ञान विशेषज्ञ हैं, अंग्रेजी विशेषज्ञ हैं और विज्ञान विशेषज्ञ हैं, यानी त्रिभुज और आयत, तो ये वाला इलाका है जेड। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीन नंबर प्रश्न है कि क्षेत्र सी किसे दर्शाता है। क्षेत्र सी किसे दर्शाता है, क्षेत्र सी किसे दर्शाता है। केवल अंग्रेजी का विशेषज्ञ है वो,
तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी का विशेषज्ञ, अंग्रेजी का विशेषज्ञ। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायग्राम हम लोग पैसेज के आधार पे जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हमने बोर्ड पे बना लिया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं। फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है, मतलब फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स डायग्राम आपस में जिस जगह पे मिल रहे हैं, जिस ब्लॉग मिलने के बाद जो जगह बना रहे हैं उस जगह में जो संख्या लिखी है वही हमारा आंसर है। स्पोर्ट्स गोल वाला और फोटोग्राफी वर्गाकार, इसके अंदर 44 है और कह रहे हैं कि फिल्म नहीं, ठीक है? अगर कहते हैं फिल्म भी मतलब तीनों तो आंसर होता 21, क्लियर है? लेकिन तीनों नहीं कह रहे हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी कह रहे हैं, तो एक का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 44। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा प्रश्न है कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फोटोग्राफी नहीं। फिल्म और स्पोर्ट्स ये दोनों वाले का दर्ज देखना है अंक, फिल्म और स्पोर्ट्स गोल वाला और त्रिभुज इसके अंदर तो 32, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है, अगला का प्रश्न कह रहा है कि कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, कितने लोगों को, तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स डायग्राम यानी सर्कल के अंदर जितने लोग हैं सारे को स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है? तो सारे को ऐड कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है? तो 32 प्लस 21 प्लस 69 प्लस 44 नौ चार 13 1 14 14 2 16 16 के 6 हाथ 1 5 5 5 6 5 11 11 2 13 13 3 16 166 यानी 166 लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद हैं। अगर इसी में दोस्तों अगर इसी में एक और प्रश्न बन रहे हैं कि केवल स्पोर्ट्स पसंद करने वाले की संख्या, तो हमारा आंसर हो जाता 69। लेकिन कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स पसंद करने वाले, इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो स्पोर्ट्स पसंद करने वाले का अर्थ क्या हो गया कि स्पोर्ट्स डायग्राम के अंदर जितने बच्चे हैं जितने व्यक्ति हैं वो सारे स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो सारे को ऐड कर दिया हमने 166, क्लियर है?